हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडियस ऑरा। आर टुडेज टॉपिक इज़ हेंडरसन्स थ्योरी ऑफ नर्सिंग। तो नर्सिंग थ्योरीज के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, अपनी फंडामेंटल की बुक्स में पढ़ा होगा। बिकॉज ऑब्वियसली नर्सिंग में आने के बाद हम मेन चीज़ होती है नर्सिंग थ्योरीज के बारे में पढ़ना, बिकॉज नर्सिंग थ्योरीज हमें नर्सिंग की हिस्ट्री के बारे में बताती हैं। किसी भी चीज़ में जाने के बाद, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हमें उसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि इसका फाउंडेशन क्या है, क्यों हम ये काम करने जा रहे हैं, इसका क्या मोटिव है, मेन गोल्स क्या होंगे। तो वही चीज़ हमें नर्सिंग थ्योरीज बताती हैं। तो मैंने पहले भी नर्सिंग थ्योरीज पे कुछ वीडियोज़ बनाई हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में आपको नाइटिंगेल्स थ्योरी, रॉगर्स थ्योरी के बारे में पढ़ाया है। नाउ इट इज़ अ टर्न टू रीड अबाउट हेंडरसन्स थ्योरी ऑफ नर्सिंग। सो फर्स्ट हैव अ लुक ऑन द डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग गिवन बाय द हेंडरसन्स। तो वर्जीनिया हेंडरसन डिफाइंड द नर्सिंग एज द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स इज टू असिस्ट द इंडिविजुअल सिक और वेल इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ और इट्स रिकवरी और टू द पीसफुल डेथ दैट ही वुड परफॉर्म अनएडेड इफ ही हैड द नेसेसरी स्ट्रेंथ, विल और नॉलेज। तो अकॉर्डिंग टू हेंडरसन ने कहा था कि द बेसिक फंक्शन, द यूनिक फंक्शन नर्स का क्या है, द ड्यूटी ऑफ द नर्स है कि हम किसी भी इंडिविजुअल को असिस्ट करें, चाहे वो सिक है या वेल है। अगर कोई भी इंसान बीमार है या नहीं है, अगर वो हेल्थ केयर सेटिंग में आया है, अगर उसे हेल्थ केयर सेटिंग की ज़रूरत है, अगर उसे हेल्थ नीड्स हैं, कुछ उसे हेल्थ एडवाइस चाहिए, देन द नर्स शुड असिस्ट दैट इंडिविजुअल। और असिस्ट कैसे करना है, टू प्रमोट दी हेल्थ, ताकि हम उसकी हेल्थ को प्रमोट कर सकें, उसकी रिकवरी को प्रमोट कर सकें। और अगर वो इंसान, अगर कोई इंसान हमें पता है कि वो बच नहीं सकता, अगर वो ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स इट डेथ, तो पीसफुल डेथ हो सके, एक बहुत ही मतलब पेन फ्री डेथ हो सके, इसके लिए हमें एक इंडिविजुअल को असिस्ट करना होता है। बट अगर वो इंडिविजुअल, उसके पास नेसेसरी स्ट्रेंथ, विल और नॉलेज है, तो तब हो सकता है कि हम उसे असिस्ट ना करें, तब उसे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो खुद की केयर खुद कर सकता है। सो इन शॉर्ट, अगर मैं कहूँ सिंपली वे में, सो हेंडरसन ने यही कहा था कि द फंक्शन ऑफ द नर्स इज़ टू असिस्ट द इंडिविजुअल। नर्स का फंक्शन है कि वो किसी भी इंडिविजुअल को, चाहे वो सिक है या वेल है, उसे असिस्ट करना है इन ऑर्डर टू प्रमोट द हेल्थ एंड इट्स रिकवरी। सो नेक्स्ट इज़ द मेटा पैराडिग्म। अब कोई भी थ्योरी जब बनती है तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं हमें, कुछ मेन चीज़ें होती हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम उस थ्योरी को बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द मेन मेटा पैराडिग्म। तो यहाँ पर फोर पैराडिग्म हैं, पर्सन, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड नर्सिंग। सो वील डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट इज द पर्सन। तो पर्सन यहाँ पे हेंडरसन ने, शी डिफाइन द पर्सन एज समवन हु इज़ इन द नीड ऑफ बेसिक हेल्थ कॉम्पोनेंट एंड समवन दैट रिक्वायर्स असिस्टेंस एंड ऑल्सो नोन एज समवन हु डजंट हैव ऑटोनॉमी। तो यहाँ पे हेंडरसन ने पर्सन उसे कहा था जो किसी को भी, अगर किसी भी इंडिविजुअल का एक बेसिक हेल्थ कॉम्पोनेंट की नीड है, अगर उसे कोई भी बेसिक हेल्थ कॉम्पोनेंट से रिलेटेड कोई भी नीड है और वो हेल्थ केयर असिस्टेंस सीक करता है, देन ही इज़, मतलब वो पर्सन यहाँ पे इंक्लूडेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एक ऐसा इंसान है जिसके पास ऑटोनॉमी नहीं है, ऑटोनॉमी मतलब वो खुद की केयर खुद से नहीं कर सकता है, उसे हेल्प चाहिए, देन अ नर्स शुड हेल्प दैट पर्सन। तो उसे हेल्थ केयर सिस्टम की नीड होगी। इन द पर्सन ही शी स्टेटेड दैट माइंड एंड बॉडी आर कनेक्टेड इन एनी आस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन बींग। उन्होंने कहा था कि किसी भी पर्सन में, पर्सन के अंदर जो माइंड और बॉडी होता है ना, वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। फॉर एग्ज़ाम्पल, बायोलॉजिकल कॉम्पोनेंट होता है, साइकोलॉजिकल कॉम्पोनेंट, सोशियोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, ये सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर कोई भी एक कॉम्पोनेंट हमारा सही नहीं होता है, कोई भी एक कॉम्पोनेंट में कोई प्रॉब्लम आती है, देन बाकी के जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी इंसान का सोशियोलॉजिकल कॉम्पोनेंट अच्छा नहीं है, अगर सोशियोलॉजिकली कोई इंसान हेल्दी नहीं है, तो हम उसे ओवरऑल हेल्दी नहीं बोल सकते, तो मतलब बाकी कॉम्पोनेंट्स को भी ये अफेक्ट कर रहा है। सो द पर्सन यहाँ पे वही हो गया, कोई भी, सिंपली अगर मैं कहूँ तो पर्सन हेयर इज़ दैट इंडिविजुअल हु सीक्स द नीड। ठीक है, कोई भी पर्सन इन नीड ऑफ द बेसिक हेल्थ कॉम्पोनेंट, वो यहाँ पे एज अ पर्सन हम इंक्लूड करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज़ दी
एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप थोड़ा ध्यान से सुनना, बिकॉज सारी चीज़ें जो है एनवायरनमेंट से रिलेट होती हैं. सो हेंडरसन डिफाइंड द एनवायरनमेंट एज अ सेटिंग दैट वुड कॉन्ट्रीब्यूट टू द पर्सन डिस्कवरिंग डिफरेंट पैटर्न फॉर लिविंग इन शॉर्ट एंड इन्फ्लुएंस. तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस वर्ड आ रहा है. इन्फ्लुएंस वर्ड यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इस वर्ड को मैं बार बार जोर दे रही हूँ, इन्फ्लुएंस, बिकॉज हमारा जो एनवायरनमेंट होता है, फॉर एग्जांपल द लिविंग कंडीशन, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह पे रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे लिविंग कंडीशंस होती हैं, वो सारी चीज़ें ही हमें इन्फ्लुएंस करती हैं. ठीक है, अब एनवायरनमेंट का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि मैंने बोल दिया आपसे कि एनवायरनमेंट जो होता है वो सिर्फ क्लाइमेट या वेदर के अकॉर्डिंग नहीं होगा, या सिर्फ हमारी लिविंग कंडीशन नहीं होगी, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हमें इन्फ्लुएंस करती हैं, दैट इज़ आवर एनवायरनमेंट. अब इन्फ्लुएंस तो हमें बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं, कोई इंसान हो सकता है, कोई इंडिविजुअल, सोसाइटी, कल्चर, बिलीफ, ठीक है, क्लाइमेट, लिविंग कंडीशन, हेल्थ, वेल्थ, ये सारी चीज़ें जो भी हमें इन्फ्लुएंस करती है, दैट इज़ आवर एनवायरनमेंट. ठीक है, तो यहाँ एनवायरनमेंट का मतलब ये आता है, इट ऑल्सो अफेक्ट्स अ लाइफ एंड द ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन. तो एनवायरनमेंट हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करता है. अब मैंने बोला कि एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें इन्फ्लुएंस कर रही हैं, तो जो भी चीज़ अगर किसी इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करती है, तो ऑब्वियसली वो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करेगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई इंडिविजुअल एक बहुत ही हाई सोसाइटी में रहता है, वहाँ पर सारे लोग बहुत हाईली एजुकेटेड हैं, तो क्या होगा कि उसे भी बचपन से ही यही एनकरेजमेंट, ये मोटिवेशन मिलेगी, उसे भी ये इन्फ्लुएंस मिलेगा, वो उन लोगों से इन्फ्लुएंस होगा कि मुझे भी हायर स्टडीज़ करनी चाहिए, और ऑटोमेटिकली क्या होगा कि उसकी डेवलपमेंट, उसकी मेंटल डेवलपमेंट पे भी फ़र्क पड़ेगा, कि हाँ उसको अच्छी अच्छी मतलब कहते हैं ना संगीति का असर, दैट इज़ द इन्फ्लुएंस. मतलब जैसे जगह पे रहोगे, जैसे लोगों के साथ रहोगे, तो वो सारी चीज़ें हमें इन्फ्लुएंस करती हैं. सो अब वर्ड एनवायरनमेंट का मतलब कोई लिटरल एनवायरनमेंट पर सर्च करने लग जाना आप. फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि एनवायरनमेंट होता है, आप जाओ गूगल पे सर्च कर रहे हो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, और वहाँ निकल के आ रही है उसकी हिंदी मीनिंग, और आप कहते हो दैट इज़ द एनवायरनमेंट. नो, तो जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं विच आर इन्फ्लुएंसिंग अस, दैट इज़ द एनवायरनमेंट. फॉर एग्जांपल इट इंक्लूड द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन एंड द फैमिलीज. अब लोगों के बीच का इंटरपर्सनल रिलेशन है ना, वो भी एक एनवायरनमेंट है, और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है ऑन द थ्योरी. ठीक है, बिकॉज थ्योरी जो है इट इज़ ऑलमोस्ट ऑल अबाउट द 14 ह्यूमन नीड्स, और जितने भी हमारी ह्यूमन नीड्स, 14 ह्यूमन नीड्स के बारे में हेंडरसन ने हमें बताया है, और वो सारी ह्यूमन नीड किसी एक इंडिविजुअल की है, और इंडिविजुअल को बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं, तो ऑब्वियसली उन नीड्स को भी बहुत ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करेंगी. ठीक है, अफेक्ट करेंगी. सो आई होप यू हैव लर्नड अबाउट द एनवायरनमेंट. ओके, सो नेक्स्ट इज हेल्थ. शी डिफाइंड द हेल्थ एज द एबिलिटी ऑफ द पर्सन टू परफॉर्म टास्क इंडिपेंडेंटली रिलेटिंग टू हर थ्योरी 14 बेसिक ह्यूमन नीड्स. तो उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग, उनकी बेसिक ह्यूमन नीड्स के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि हेल्थ क्या होता है, कि किसी भी पर्सन में एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इंडिपेंडेंटली अपने टास्क को परफॉर्म कर पा रहा है. मतलब इतनी इतनी क्षमता होनी चाहिए एक इंसान के अंदर, वो अपने जो भी अपने जितने भी टास्क हैं वो अकेले खुद से परफॉर्म करने के लिए करने के काबिल होना चाहिए. मतलब दूसरे की नीड की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए उसे, दूसरे की मदद ना लेनी पड़े उसे, देन द ह्यूमन इज़ हेल्दी. She also stated that she would stress out on the disease prevention and health promotion of our client. तो उन्होंने ये भी कहा था, okay, she should also stated that she would stress out on disease prevention and health promotion of our client. तो मतलब एक नर्स का फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे नर्स के फंक्शन पे बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज किया है कि वी आर फंक्शन इज टू प्रिवेंट द डिजीज़. डिजीज़ प्रिवेंशन करना है और हेल्थ प्रमोशन. ठीक है, क्योंकि डिजीज़ प्रिवेंशन मतलब डिजीज़ को होने से पहले ही प्रिवेंट कर देना है. डिजीज़ को होने ही क्यों देना है, क्यों कोई बीमार हो, क्यों कोई हॉस्पिटल में आए, हॉस्पिटल में आने के बाद ही केयर नहीं करनी है, उससे पहले से ही हमारा रोल स्टार्ट हो जाता है इन दी डिजीज़ प्रिवेंशन. देन दी हेल्थ प्रमोशन. अब डिजीज़ तो प्रिवेंट हो गई, अब जो हेल्थ मेंटेन करके रखे, जो हेल्थ हेल्दी पर्सन है उसकी हेल्थ को मेंटेन भी करना है, तो दैट इज़ द हेल्थ प्रमोशन. ओके,
बिकॉज गुड हेल्थ को अचीव करना इज़ अ चैलेंज, इज़ अ वाई, क्योंकि गुड हेल्थ मतलब प्रॉपर हेल्थ, आपने हेल्थ की डेफिनेशन में देखा होगा बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, आप सारे ही कंपोनेंट एक साथ से बिल्कुल हेल्दी होना इट इज़ वेरी बिग चैलेंज। ऑफकोर्स दे आर टर्म्स ऑफ द फैक्टर्स, मैंने बताया था बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, लाइक एज हो गया, एज के साथ साथ क्या होता है, एज इंक्रीज़ होती जाती है तो हेल्थ स्टेटस जो है वो थोड़ा थोड़ा डिक्रीज़ होता जाता है, कल्चरल बैकग्राउंड हो गया, लाइफस्टाइल जो कि हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आते हैं, देन जेंडर, इमोशनल बैलेंस, ये सारी चीज़ें जो है वो, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है गुड कंडीशन में होनी चाहिए। देन दी नर्सिंग, नर्सिंग फॉर द हेंडरसन इज द असिस्टेंट टू एन इंडिविजुअल टू अचीव द 14 बेसिक ह्यूमन नीड्स इफ दे आर नॉट एबल टू डू इट इंडिपेंडेंटली। अगर कोई इंसान अपनी जो 14 बेसिक ह्यूमन नीड के बारे में हेंडरसन ने बताया था, अगर कोई कोई भी इंडिविजुअल अपनी वो बेसिक नीड्स को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है इंडिविजुअली, अचीव नहीं कर पा रहा है, फुलफिल नहीं कर पा रहा है, देन ही और शी नीड द हेल्प, तो यहाँ पे उसे नर्सिंग असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। सो प्राइमरी गोल वुड बी टू नर्स दैम टू ऑटोनॉमी और टू बेसिकली मेक दैम इंडिपेंडेंट। तो प्राइमरी गोल हमारा क्या है कि हम उन्हें ऑटोनॉमी प्रोवाइड करें कि वो खुद से अपनी केयर कर सकें, नॉलेज और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकें, और उन्हें बेसिकली उन्हें इंडिपेंडेंट बनाना है कि वो उन्हें किसी की नीड की ज़रूरत ना हो अपनी केयर करने के लिए, ठीक है, देन दी पर्सन विल कॉल हेल्दी। ओके, सो ये चार पैराडिक्स में आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट इज दे मॉडल ऑफ द थ्योरी, हेंडरसन वॉज मोर ऑफ अ रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल कमिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल बिकॉज द नर्स इज एक्सपेक्टेड टास्क इज टू नर्स द इंडिविजुअल गेट बैक टू हिज हेल्दी स्टेट, हेल्दी मीनिंग परफॉर्मिंग टास्क इंडिपेंडेंटली इन द 14 बेसिक नीड्स कॉम्पोनेंट्स। तो उन्होंने कहा था कि हेल्दी पर्सन वो उन्हीं को बोलेंगे जो ये सारे आपके बेसिक ह्यूमन नीड के जो कॉम्पोनेंट्स हैं उन्हें इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर पाएंगे, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ओके, सो लेट्स सी अबाउट व्हाट आर दी 14 बेसिक नीड्स अकॉर्डिंग टू दी हेंडरसन थ्योरी। फर्स्ट इज ब्रीथ नॉर्मली, अगर कोई इंसान ठीक से सांस ले पा रहा है, ब्रीथ कर पा रहा है नॉर्मली, मतलब उसे टेकिपनिया नहीं है, ब्रेडिपनिया नहीं है, ठीक है, वो बहुत अच्छे सांस ले पा रहा है, कोई भी रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं है, कोई COPD नहीं है, TB नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें अस्थमा वगैरह अगर किसी किसी इंसान को नहीं है, अगर वो प्रॉपरली मतलब ब्रीदिंग नॉर्मली कर पा रहा है, देन ही इज़ हेल्दी, उसे किसी भी असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है। देन ईट एंड ड्रिंक एडिक्यूएटली, कोई भी इंडिविजुअल अगर ठीक से खा पी पा रहा है, मतलब खाना पीना उसका इस तरह से होना चाहिए, न्यूट्रिशियस चीज़ें लेनी है, सिर्फ ये नहीं कि खाना पीना तो हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रिशियस हेल्दी चीज़ें ले रहा है, किसी चीज़ की किसी फूड की कोई एलर्जी नहीं है, ठीक है, एंड अंडर न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए, ओवर न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए, ओवर वेट नहीं होना चाहिए, माल नरिश नहीं होना चाहिए पेशेंट, ओबेसिटी वगैरह नहीं है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ नहीं है खाने पीने से, देन ही इज़ हेल्दी, ही डजंट नीड एनी असिस्टेंस। देन द थर्ड बेसिक नीड इज़ एलिमिनेट द बॉडी वेस्ट, मतलब अपनी बॉडी से कोई भी इंडिविजुअल जो है ना, एलिमिनेशन उसका अच्छा चल रहा है, लाइक कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं है, डायरिया वगैरह कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, देन द ह्यूमन इज़ हेल्दी, क्योंकि अगर एलिमिनेशन बहुत मेन चीज होती है हमारी हेल्थ को मेंटेन करके रखने के लिए, अगर एलिमिनेशन ही अच्छा नहीं है तो इससे इट कैन बी द अंडरलाइंग कॉज फॉर द मैनी डिजीज, बहुत सारे डिजीज का अंडरलाइंग कॉज हो सकता है ये। नेक्स्ट इज़ मूव एंड मेंटेन डिज़ायरेबल पॉस्चर, अब मूवमेंट और डिज़ायरेबल पॉस्चर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मूवमेंट रिलेटेड टू जॉइंट्स, ठीक है, मूवमेंट अगर हम कर रहे हैं तो मूवमेंट अगर किसी की इंसान की अच्छी चल रही है, नॉर्मल है, देन जॉइंट्स हेल्दी हैं, ठीक है, फिर डिज़ायरेबल पॉस्चर, पॉस्चर रिलेटेड टू बोन हेल्थ, ठीक है, तो कोई भी इंसान मतलब एक अच्छा पॉस्चर होना चाहिए, पॉस्चर रिलेटेड बहुत सारी डिजीजेज होती हैं, तो ठीक है, दैट इज़ द क्वेश्चन फॉर यू, पॉस्चर रिलेटेड किसी भी डिजीज़ का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज स्लीप एंड रेस्ट, स्लीप और रेस्ट किसी इंसान इंडिविजुअल का अच्छा चाहिए, अगर स्लीप जो है वो एडिक्वेट है, मतलब एडिक्वेट स्लीप ले पा रहा है कोई इंसान, बिकॉज एज के साथ साथ क्या होता है, हमने देखा है कि एज या फिर किसी भी डिजीज़ के साथ साथ स्लीप जो है वो कम हो जाती है, स्लीप आवर्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से, या फिर कभी कभी होता है रात में नींद नहीं आ रही, सिर्फ दिन में आ रही है, तो जिसकी वजह से हमारी सर्कैडियन रिदम भी डिस्टर्ब होती है, और जब सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब होगी
तो बॉडी के पूरे मेटाबॉलिज्म, पूरी फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब हो जाती है। तो स्लीप और रेस्ट अगर नॉर्मल है देन द पर्सन इज़ हेल्दी। नेक्स्ट इज सिलेक्ट सुइटेबल क्लोथ्स, ड्रेस एंड अनड्रेस। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल अपने लिए एक सुइटेबल क्लोथ सिलेक्ट कर पा रहा है, ड्रेस और अनड्रेस कर पा रहा है खुद को, देन ही इज़ हेल्दी। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अब आप कहोगे कि इसमें क्या है, इसमें कौन इंसान हेल्दी और अनहेल्दी हो सकता है। तो इन केस ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, बहुत सारे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं, पार्किंसंस हो गया, डिमेंशिया वगैरह होता है, तो इसमें क्या होता है कि इंसान को अपना ही होश नहीं होता, वो अपने क्लोथ्स वगैरह सुइटेबल सिलेक्ट नहीं कर पाता है, उसे पता ही नहीं मुझे क्या पहनना है, जो मिल गया वो पहन लिया, ठीक है। सो दिस इज दिस कैन बी द साइन ऑफ एनी डिसऑर्डर और दी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। ओके, सो नेक्स्ट इज द मेंटेन बॉडी टेम्परेचर विद इन नॉर्मल रेंज बाय एडजस्टिंग क्लोथिंग एंड मॉडिफाइंग एनवायरनमेंट। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पा रहा है बाय द क्लोथिंग, बाय द हेल्प ऑफ क्लोथिंग, लाइक एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, गर्मियों में किसी ने कपड़े मतलब हल्के कपड़े पहनते हैं, हाफ स्लीव्स वगैरह, थोड़ी सी अगर ठंड आती है, मौसम चेंज होता है तो फुल स्लीव्स पहनने लग जाते हैं, देन उससे ज़्यादा ठंड आती है जैसे कि दिसंबर जनवरी, उसमें हम स्वेटर्स पहनने लगते हैं, तो दिस इज़ द नॉर्मल बिहेवियर। बट अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा नहीं कर रहा है, जैसे कि आपने देखा गर्मियों में कोई इंसान अगर स्वेटर पहन के घूम रहा है या फिर शॉल ओढ़ के घूम रहा है, तो आप उसे कहोगे ना दैट ही इज़ नॉट हेल्दी, क्या हो रहा है ये तो नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। ओके, सो ही कैन बी मेंटली अनहेल्दी। देन कीप द बॉडी क्लीन एंड वेल ग्रूम्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटेग्यूमेंट। अब अपनी बॉडी को नीट एंड क्लीन रखना और इंटेग्यूमेंट मतलब बाहर की जो चीज़ें होती हैं, बैक्टीरिया वायरस इन सब चीज़ों से बचा के रखना, दैट इज़ द नॉर्मल बिहेवियर, दैट इज़ द साइन ऑफ अ हेल्दी इंडिविजुअल। देन अवॉइड डेंजर्स इन द एनवायरमेंट एंड अवॉइड इंजरिंग अदर्स। अब अपने आप को भी सेफ रखना है और दूसरों को भी सेफ रखना है, मतलब खुद की इंजरी भी अवॉइड करनी है और दूसरों को भी इंजर नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक हेल्दी पर्सन अगर कहीं से जा रहा है, मतलब एक नॉर्मल पर्सन जा रहा है रास्ते में, अगर उसे पता है बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स हैं वहाँ पर और वो डेंजरस हो सकते हैं उसके लिए, तो वो खुद से जाके उन डॉग्स को प्रोवोक नहीं करेगा। बट इफ़ दैट पर्सन इज़ प्रोवोकिंग दैट डॉग्स, तो इज़ ही हेल्दी? आई डोंट थिंक सो। ओके, ये तो हो गया खुद को इंजुरी से खुद की इंजुरीज अवॉइड करना। अब नेक्स्ट है दूसरों को भी इंजुर नहीं करना। अगर कोई इंसान जाके दूसरों को ऐसी रास्ते में चल रहा है, चलते चलते किसी इंसान को लेके पीट दिया या किसी का भी एक्सीडेंट कर लिया नोइंगली, तो दिस इज़ नॉट द हेल्दी बिहेवियर, दिस इज़ नॉट द साइन ऑफ अ हेल्दी पर्सन। तो ही और शी नीड द हेल्प, ही और शी नीड हेल्थ असिस्टेंस। ओके, तो यहाँ ज़रूरत पड़ती है हमें उनकी हेल्थ को असिस्ट करने की, उस इंडिविजुअल को असिस्ट करने की। ओके, देन द नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेट विद अदर्स इन एक्सप्रेसिंग इमोशंस, नीड्स, फियर्स और ओपिनियंस। अगर कोई भी हेल्दी इंसान है वो क्या करता है, अपने इमोशंस, अपने नीड, फियर्स और ओपिनियंस के बारे में दूसरों से बात करता है, कम्युनिकेट करता है, ठीक है। कोई भी हेल्दी इंसान होगा ना, कोई भी नॉर्मली इंसान क्या करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, अपनी चीज़ों को बताते हैं। बट इफ़ दी पर्सन इज़ नॉट हेल्दी, अगर पर्सन किसी भी एस्पेक्ट में हेल्दी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कोई सोशली हेल्दी नहीं है, कोई इमोशनली हेल्दी नहीं है, तो वो किसी को अपनी बातें बताएगा ही नहीं। जब भी कोई फियर या किसी इमोशंस की बात होंगी तो वो क्या करेगा, कम्युनिकेशन नहीं करेगा। ओके, सो दैट इज़ द साइन ऑफ अनहेल्दी पर्सन। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इस इंडिविजुअल को नीड की ज़रूरत है, इस इंडिविजुअल को हेल्थ असिस्टेंस चाहिए। नेक्स्ट नीड इज़ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द वंस फेथ एंड वर्क इन सच अ वे दैट देयर इज़ अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, ठीक है। तो वर्शिप करना है अपने फेथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। हर किसी को पता होता है कि वो किस में विश्वास रखता है, किस भगवान में, अल्लाह में, ठीक है, जीसस वगैरह, जिसमें भी आप विश्वास रखते हो उस के अकॉर्डिंग आपको वर्शिप करना है, ठीक है। अपने कल्चर को, अपने धर्म को अपनाना, दैट इज़ द साइन ऑफ अ हेल्दी पर्सन। देन आपको जो भी काम कर रहे हो उस तरीके से काम करो कि वो काम पूरा होना चाहिए, बहुत अच्छे से होना चाहिए। देन कोई भी अगर, नेक्स्ट इज़ द प्ले और पार्टिसिपेट इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिक्रिएशन। तो कोई भी अगर हेल्दी पर्सन होगा, ठीक है, अगर जो पर्सन है अगर वो फिजिकली हेल्दी है तो वो क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, प्ले करेगा, ठीक है, रिक्रिएशन वगैरह करेगा। मेंटली हेल्दी है तो रिक्रिएशन में पार्टिसिपेट करेगा। बट अगर कोई इंसान किसी भी एस्पेक्ट में हेल्दी नहीं है, लाइक फिजिकली हेल्दी नहीं है, तो वो
प्ले में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, इमोशनली हेल्दी नहीं है तो वो रिक्रिएशन नहीं कर सकता है, सोशली हेल्दी नहीं है तो भी वो प्ले में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बिकॉज सोशली मतलब अगर वो लोगों से बात ही नहीं कर सकता, उनसे गेट टुगेदर नहीं कर सकता, देन हाउ विल ही प्ले? तो यहाँ से पता चलता है कि दैट इंडिविजुअल नीड्स हेल्प। देन द नेक्स्ट इज लर्न, डिस्कवर और सेटिस्फाई टू द क्यूरियोसिटी दैट लीड्स टू नॉर्मल। ठीक है, तो कोई भी नॉर्मल इंसान क्या होता है, हमारे अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है, बहुत सारी चीज़ों को जानने की, तो हम उन चीज़ों को जानते हैं, डिस्कवर करते हैं और अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करते हैं, तो दैट इज़ द साइन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बींग। नेक्स्ट एंड द लास्ट नीड इज़ द डेवलपमेंट एंड हेल्थ एंड यूज़ द अवेलेबल हेल्थ फैसिलिटीज़। तो अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग हमें जो हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उन्हें यूज़ करना है। तो जो भी नॉर्मल इंसान होते हैं, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो जाके हेल्थ फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हैं। ओके, तो अगर कोई इंसान प्रॉब्लम में है बट वो हेल्थ फैसिलिटीज़ को यूज़ नहीं भी कर रहा है, तो आपको मतलब यहाँ से पता चलता है दैट इंडिविजुअल नीड हेल्प और दी हेल्थ असिस्टेंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर ये सारे फंक्शंस जो है इंसान को इंडिविजुअल खुद से परफॉर्म कर पा रहा है, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है, दैट ही डजेंट नीड एनी हेल्प। बट अगर इन फंक्शंस में से कोई भी चीज़ इंसान खुद से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बेसिक चीज़ें अगर ये भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, देन ही नीड द हेल्प। ओके, सो दीज 14 ह्यूमन नीड्स आर एक्चुअली होलिस्टिक कॉज। नॉट ओनली डज इट इंक्लूड द बायोलॉजिकल हेल्थ, इट ऑल्सो इंक्लूड स्पिरिचुअल, सोशल, मेंटल, इमोशनल एंड एटसेट्रा। इफ यू ट्राई टू लुक एट द बिगर पिक्चर, दिस मॉडल इज एक्चुअली क्वाइट आइडेंटिकल विद द मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। तो जैसे कि आपने ये 14 नीड्स देखी, मैंने बार बार बात की, कहीं पर बायोलॉजिकल हेल्थ की बात हो रही है, कहीं सोशल हेल्थ, कहीं इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इवन दी मेंटल हेल्थ, बहुत बार मेंटल हेल्थ की मैंने बात की। तो ये सारी जो ह्यूमन नीड्स है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल हेल्थ को इंक्लूड नहीं करती हैं, स्पिरिचुअल, सोशल, मेंटल, इमोशनल, हर तरह की नीड को ये इंक्लूड करती हैं। अगर इनमें से कोई भी कंपोनेंट में प्रॉब्लम होगी, देन द पर्सन विल नीड द हेल्थ असिस्टेंस। ओके, तो अगर आप इन 14 नीड्स को जरा ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा दैट इज़ क्वाइट आइडेंटिकल विद द मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। मास्लो हायरार्की ऑफ नीड के बारे में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो इट्स ओके, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड के बारे में ही लाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्रेस द बेल आइकन एंड यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वीडियो। ओके, सो फॉर देन Thanks for watching. Please like the videos, share the videos and subscribe the channel and answer in the comment box which I have asked you. Thanks again.